जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्लोबल सक्सेस में। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जो कि शत्रु नाश का उपाय होने जा रहा है। दोस्तों सिंपल और सरल सा उपाय ये होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज के इस युग में इस तरह से शत्रु बढ़ रहे हैं जैसे कि जिनका कोई कारण ही नहीं होता, मतलब आपका जो मित्र है वह धीरे धीरे शत्रु के रूप में बदल जाता है। उसका रीजन कोई इसका रीजन नहीं होता, उसका एक रीजन होता है कि आप कामयाबी हासिल कर रहे हैं। जो व्यक्ति कभी भी कोई कामयाबी हासिल नहीं करते हैं वो बर्बाद घूमते हैं, उनका कोई भी शत्रु नहीं होता। दोस्तों शत्रु सिर्फ उनके होते हैं जो तरक्की करते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ते हैं और अपना अस्तित्व चारों तरफ, अपना जो कीर्तिमान है वो चारों तरफ फैलाना चाहते हैं, फैलाते हैं। तो दोस्तों जो शत्रु होते हैं वो ऐसे ही लोगों के शत्रु उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों कुछ शत्रु ऐसे होते हैं जिनको आप जानते हैं, जो हमसे द्वेष रखते हैं और आप उनसे होशियार तो रहते हैं लेकिन कभी कभी होशियार नहीं भी रहते हैं, यानी कि वो गुप्त शत्रु होते हैं। कब आपका मित्र आपका शत्रु बन जाता है, यानी कि आपके जैसे आपके साथ तो मित्रता का व्यवहार करते हैं लेकिन वो अंदर के अंदर ही आपसे द्वेष भी रखते हैं। तो कभी उन्हें मौका मिलता है तो वह आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आप ये जानते भी नहीं है, आपका जो भेद है वो भेद आपका जान लेते हैं। भेद जानने के बाद वो आपके पीछे इस तरह से पड़ते हैं जैसे कि पीठ पीछे खंजर भोंका जाता है। दोस्तों शत्रु जो होता है, जाहिर सी बात है शत्रु और गुप्त शत्रु दोनों से ही छुटकारा पाने का आज मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा उपाय है, ध्यान से आप सुनिएगा और आपसे मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन ही दिया अपने कमेंट बॉक्स में, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय सन्यासी बाबा नहीं लिखा तो वहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, आप पर बालाजी सरकार की जरूर कृपा होगी। दोस्तों वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है क्योंकि आज मैं आपको इसी तरह का एक बहुत ही बढ़िया उपाय बताने जा रहा हूँ और वो उपाय जो है वो एक तरह की क्रिया है और वो शत्रु को नष्ट करने की क्रिया है। दोस्तों बहुत बात होता है कि शत्रु जो है आपको बहुत ज़्यादा लगातार तकलीफ देता रहता है और तकलीफ देने के कारण आपकी जो तरक्की है वो पूरी की पूरी रुक जाती है। पूरी तरह से आप तरक्की जो कर रहे थे वो तरक्की अब आप नहीं कर पाते हैं उस प्रयोग की वजह से, क्योंकि जो शत्रु है वो आप पर कुछ किया कराया करवाएगा या फिर कहीं बाहर जा करके किसी तांत्रिक से, क्योंकि आपका भेद तो वो जान ही गया है, यदि आपका भेद वो जान गया है तो किसी तांत्रिक से कुछ भी आप पर क्रिया कराया करवा सकता है। तो फिर आपकी उन्नति इसमें रुक जाती है, तरक्की आपकी रुक जाती है, आप जो आगे अपना अस्तित्व फैलाना चाहते थे वो आप अस्तित्व नहीं फैला पाएंगे। तो अब इससे बचने के लिए क्या किया जाए, किस तरह की क्रिया इसमें की जाए वो आपको करनी है। दोस्तों ये जो उपाय आज मैं बताने जा रहा हूँ या मंगलवार शनिवार को करेंगे तो इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आप यदि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो आप इसको कभी भी कर सकते हैं, किसी भी दिन इसको कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है ध्यान से सुनिएगा, आपको इसको ऐसा करना है, आपको एक नींबू लेना है। अब नींबू जो लाना है, नींबू में एक तरफ उठी हुई एक धारी होती है। नींबू जब आप जाएंगे नींबू वाले के यहाँ तो वहाँ देखेंगे काफ़ी सारे नींबू पड़े रहते हैं, उसमें हज़ारों में से या 100 नींबू में से एक नींबू ऐसा मिलता है जिसमें उठी हुई धारी होती है। एक आधा ही नींबू आपको ऐसा मिलेगा जिसमें उठी हुई धारी, तो आप नींबू वाले के यहाँ ध्यान से देखिए, ऐसा नींबू मिल जाए तो सबसे बेहतरीन होगा, सबसे बेस्ट होगा। अब आप नींबू ले लेते हैं, अगर धारी वाला नहीं मिलता है तो आप किसी भी नींबू को ले लें, लेकिन सड़ा गला नींबू नहीं होना चाहिए, नींबू दागी नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान रखना है। रस भरा बढ़िया नींबू होना चाहिए, दागी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, उसमें दाग नहीं होना चाहिए। अब उस नींबू पर काले रंग के मार्कर से आपको शत्रु का नाम लिख देना है, नींबू पर कोई भी शत्रु हो उसका नाम आपको लिख देना है काले कलर के मार्कर से या पेन से या फिर किसी काजल से भी लिख सकते हैं आप, लेकिन नींबू पर आपको नाम लिखना है। यदि आपको शत्रु का नाम नहीं पता तो आप नींबू पर केवल काले रंग के मार्कर से केवल नींबू शत्रु लिख सकते हैं। नींबू के ऊपर आपने शत्रु लिखा, शत्रु के लिखने के बाद आपको लौंग लेनी है, 3 लौंग लेनी है फूल वाली, बड़ी अच्छी लौंग लेनी है, फूल वाली लौंग होनी चाहिए, केवल 3 लौंग आपको लेनी है। अब आपको जो 3 लौंग लेनी है उस 3 लौंग में आपको करना है, जैसे आपने मान लीजिए शत्रु लिखा है तो शत्रु के आगे एक लौंग गाड़ दीजिए और जहाँ पर शत्रु पूरा हो रहा है वहाँ पर एक लौंग गाड़ दीजिए और शत्रु के बीच में एक लौंग गाड़ दीजिए, मतलब 3 लौंगें आपको गाड़नी है। शत्रु के जब शत्रु का शब्द स्टार्ट होता है, नाम स्टार्ट होता है, जैसे मान लीजिए किसी शत्रु का नाम अजय है तो अजय के आगे एक लौंग गाड़ दें, बीच में एक लौंग गाड़ें और फिर बाद में जब अजय नाम ये आता है, अजय नाम पूरा होता है तो उसके बाद एक लौंग
पीछे की तरफ गाड़ दें। अब आपको क्या करना है, ध्यान रखना है दोस्तों, जो लिखा हुआ नाम है उस आपका जो लोंग का पीछे वाला पार्ट होता है, मतलब कि जो फूल वाला पार्ट होता है लोंग का, वो आपकी तरफ होना चाहिए और लोंग का नुकीला पार्ट नींबू के अंदर होना चाहिए। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि नींबू में लोंग गाड़ने से पहले वो तीन होल आप बना लें किसी नुकीली कील से, क्योंकि यदि मान लीजिए गाड़ते समय लोंग टूट गई तो फिर आपका उपाय काम नहीं करेगा। यानी गाड़ते समय आपको लोंग तोड़नी नहीं है, लोंग टूटनी नहीं चाहिए, इस बात का आपको बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है। तो आप क्या करें, पहले ही लोहे की कील से उसमें या कोई सुई ले लें, उस सुई से उसमें थोड़ा गड्ढा बना लें। शत्रु तो पहले ही लिख देंगे, उसके बाद थोड़ा गड्ढा बना लें, तीन गड्ढे आपको बनाने हैं। तीन गड्ढे बनाने के बाद लोंग आसानी से उसमें चली जाएगी, तो इतना आप करें, ठीक है। तीन लोंग गाड़ने के बाद फूल आपकी तरफ होना चाहिए, लोंग का फूल भी नहीं टूटना चाहिए। अब आपको क्या करना है, बस आपको तीन बार शत्रु शत्रु शत्रु, जैसे अपने हाथ में नींबू रखें, हाथ कौन से हाथ में, राइट हैंड में, यानी सीधे हाथ में आपको नींबू रखना है और लेफ्ट हैंड आपको उसके नीचे रखना है, यानी अपने सीधे हाथ के नीचे लेफ्ट हैंड रखना है। लोंग का जो फूल वाला भाग है वो ऊपर रहेगा, नींबू में ऊपर की तरफ रहेगा, और लोंग का पीछे वाला भाग नींबू में आपको गाड़ देना है। यानी जो तिकोना भाग होता है, तीखा भाग जो लोंग का है, वो आपको नींबू में गाड़ देना है, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको राइट हैंड के ऊपर, है ना, लेफ्ट हैंड नीचे की तरफ रखें, राइट हैंड ऊपर रखें, और राइट हैंड पर आपको हथेली पर नींबू रखना है, इसमें फूल वाला भाग आपको ऊपर रखना है, और आपको तीन बार शत्रु 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 बोलना है, या फिर तीन बार आपको शत्रु का नाम बोलना है, और लास्ट में आपको एक फूंक मार देनी है। अब आप क्या करें, उस नींबू को किसी निर्जन स्थान पर ले जाएं। अब निर्जन स्थान पर कौन से वाले, जंगल में ले जाएं, कहाँ ले जाएं? देखिए, निर्जन स्थान पर वहाँ ले जाएं जहाँ पर बबूल का पेड़ हो और आपको आते जाते कोई देख ना ले। बबूल का जो कांटेदार पेड़ होता है, या तो बबूल का पेड़ हो या कोई कांटेदार पेड़ हो, लेकिन होना कांटेदार पेड़ चाहिए। जितना ज़्यादा बड़ा पेड़ होगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। तो किसी कांटेदार पेड़ के पास चले जाइए, वहाँ पर गड्ढा खोदिए और गड्ढा खोद के उस नींबू को गाड़ दीजिए। नींबू को गाड़ते समय एक बात का ध्यान रखना है, जो लोंगे जिस तरफ हैं उस वो ऊपर की तरफ रहेगा हिस्सा, जो लोंगे हैं उस वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रहेगा। नींबू को इस तरह से आपको गाड़ना है अंदर, जैसे नींबू में आप शत्रु का नाम लिखेंगे ना, तो शत्रु का नाम जैसे आप गाड़ेंगे तो आपको दिखता हुआ रहना चाहिए। ऐसे उल्टा उल्टा नींबू करके आप अंदर मत गाड़ दीजिएगा, है ना। तो लोंगे आपको दिखती रहनी चाहिए, जब आप नींबू को गाड़ रहे हैं तो आपको लोंग दिखाई देती रहनी चाहिए। अब आप उस पर बिल्कुल मिट्टी डाल करके इस तरह से मिट्टी डालेंगे कि वो नींबू पूरा दब जाएगा। अब आपको क्या करना है, उसको पूरा का पूरा गाड़ देना है, मिट्टी डाल देनी है। मिट्टी डाल करके आपको वो धीरे धीरे नींबू अब सड़ने लग जाएगा। देखिए, एक दो दिन में तो नहीं सड़ेगा, एक दो दिन के बाद ही वो सड़ने लग जाएगा। अब जैसे जैसे वो नींबू सड़ेगा, इस तरह से आपका जो दुश्मन है उसकी भी सारी शक्तियाँ, उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान होना शुरू हो जाएगा। वो धीरे 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 उसको कष्ट आते रहेंगे और आपका जो दुश्मन है वो पूरी तरह से धीरे 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 बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। आर्थिक रूप से उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और उसकी सारी धन संपत्ति, मान सम्मान, सारी शक्ति उसकी खत्म हो जाएगी। इस क्रिया को दोस्तों महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, कोई भी इस क्रिया को कर सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई रजोसोल आप हो रहे हैं या फिर मतलब आप जिनके पीरियड्स आते हैं महिलाओं के, तो उस समय वो बिल्कुल कर सकते हैं, इस क्रिया में कोई दिक्कत नहीं है। नींबू गाड़ करके आपको सीधे अपने घर आ जाना है, आगे पीछे नहीं देखना, किसी से बात नहीं करनी, सीधे अपने घर पर आकर हाथ मुंह धो लेने हैं। यदि आप नहा लेते हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा। शनिवार और मंगलवार का दिन इसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। यदि आप सुबह इस कार्य को कर लेते हैं तो सबसे बेहतरीन होगा, यानी सुबह 6-7 बजे आपको ज़्यादा कोई लोग देखेंगे भी नहीं इस उपाय को करते समय। और आपकी ज़िंदगी में कभी भी आपके जीवन में जो शत्रु बाधाएँ हैं और जो शत्रु आपके जीवन में जो बाधाएँ पहुँचा रहे हैं, वो शत्रु कभी भी आपके जीवन में बाधाएँ नहीं पहुँचा पाएंगे। ये बहुत ही कारगर उपाय है दोस्तों, नींबू का उपाय है। दोस्तों, नींबू होता है खट्टा और नींबू के साथ हम लोंग गाड़ रहे हैं तो ये एक बहुत ही बेहतरीन तंत्र होता है और इसका प्रयोग तांत्रिक भी अपनी क्रियाओं में करते हैं। इस कारण से हम ये वाली क्रियाएँ आपको बता रहे हैं।
आप यदि इसको कर लेंगे तो आपके जीवन में कभी भी आपको दुख नहीं दे पाएगा कोई भी शत्रु हो आपके जीवन में। कोई भी शत्रु, उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे जो भी कष्ट हैं वो आपके खत्म हो जाएंगे और उसकी ज़िंदगी में अब कभी भी राहत नहीं रहेगी दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद। इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा, तो उम्मीद है आपको उपाय पसंद आया होगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें, साथ में शेयर करें वीडियो को सबके साथ ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके, तो आपको पुण्य फल आपको कमाने का इसमें मौका मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।